भ्रष्ट नगरसेवक व भ्रष्ट आमदार सुजेंद्र ठाकूर यांच्यावरती कारवाई झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे. जोर जुल के टक्कर मे, जोर जुल के टक्कर मे, संघर्ष हमारा नारा है. अरे कोण म्हणतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही. कोण म्हणतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही. भ्रष्ट सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांना अटक झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे. भ्रष्ट सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांना अटक झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे. या सर्वांची एसआयटी मार्फत चौकशी झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे. या सर्वांची एसआयटी मार्फत चौकशी झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे. समोर बसलेले टीआरएमचे अधिकारी यांच्यावर चौकशी झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे. समोर बसलेले टीआरएमचे अधिकारी यांच्यावर चौकशी झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे. तसीच्या कार्यालयामध्ये बसलेले भ्रष्ट कर्मचारी व अधिकारी याची चौकशी झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब. मैं हूं युसुफ अली, आप देख रहे हैं लाइव आइए नजर डालते हैं आज की खास तौर पर. दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वसई तहसीलदार कार्यालय के यहाँ. आज यहाँ पर्यावरण प्रेमी कुछ अपनी मांग लेकर आए हैं, जिनकी मांग है कि यहाँ की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है भूमाफियाओं ने, और उन भूमाफियाओं के अतिक्रमण में कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से शामिल है, ऐसी ये आरोप लगा रहे हैं. इन आरोप के ऊपर ये यहाँ कुछ अपनी मांग लेकर आए. एक छोटा सा आंदोलन यहाँ भी किया पर्यावरण प्रेमियों ने, जिसमें समीर वर्तक, मैकेंजी डाबरे और उनके सहयोगी लोग मौजूद थे. आप देख सकते हैं विजुअल्स में किस तरह से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, और क्या कुछ कहा इन्होंने कैमरे के ऊपर, क्या कुछ आरोप लगाए, सुनिए आगे वीडियो में. अभी के लिए इतना ही, नमस्कार. समीर सर, क्या विषय है आप आंदोलन कर रहे हो, क्या बोल रहे? विषय पर्यावरण का है, विषय सरकारी जमीनों का है, और विषय महसूल विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में, और इनको सबको मैनेज करने वाले वसई में कार्यरत भूमाफिया, और ये भूमाफिया के पीछे जिनका हाथ है वो सत्ताधारी, ऐसा एक को मिला के एक कड़ी है ये, जो पिछले 30-32 साल से वसई को बर्बाद करती आ रही है. हमारे मित्र मैकेंजी डाबरे, इन्होंने कई दिनों से इसके ऊपर पत्र व्यवहार किया है कि जुचंद्र जो गांव है और उसके बाजू में हाईवे जो है, हाईवे को लग के कुछ सरकारी जमीनें हैं जो वेटलैंड थी, वहां पर मैंग्रोव को काटा जा रहा है, वहां पर अनाधिकृत माटी भराव किया जा रहा है और सरकारी जमीनें हड़प करने का काम भूमाफिया कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ यह आंदोलन है. और सभी भूमाफिया के साथ उनको साथ देने वाले भ्रष्ट महसूल अधिकारी, इनके सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए ये आंदोलन है. इस आंदोलन को कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रही है, किस पार्टी के बैनर तले हो रहा है? ये सामाजिक संस्था के माध्यम से काम है, हमारे मैकेंजी डाबरे इसमें आगे है और उनके माध्यम से ये हो रहा है. डाबरे सर, क्या विषय है आप ये आंदोलन कर रहे हैं, आपके साथ में समीर वर्तक है और दूसरे लोग है, क्या विषय है? कभी जमाने में वसई को हरित वसई करके दुनिया भर में पहचान थी. आज उस वसई में पर्यावरण और सरकारी जमीन के नाम की लूट मची हुई है. हम लोगों के पास इस तरह के सबूत है कि सरकार की जमीन यहाँ की भूमाफिया ने वो जमीन अपने नाम पे करके वो बेचने के लिए भी डाली है, उसके ऊपर इंडस्ट्री भी खड़ी है, बिल्डिंग भी खड़े है, और यहाँ के जो मैंग्रोव है, यहाँ की जो वेटलैंड है, उसको पूरा काट के उसके ऊपर मिट्टी का भराव कर रहे हैं, और यहाँ की जो तलाठी है वो तलाठी इन माफिया को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं. इनके पूरे सबूत आज हम हमारे साथ लेके आए हैं तहसीलदार को ये बताने के लिए कि वसई में ये जो सरकारी जमीन है उसको बचाना आपका कर्तव्य है, या इस जमीन को जो भूमाफिया हड़प करे उसको मदद करने में. यहाँ पे कामन में, पोमन में, जितेंद्र में, मालवीयपटा में, ससुनगर में जो भी सरकारी जमीन है उन सबका पूरा सर्वेक्षण करके उसके ऊपर क्या क्या अनाधिकृत बांधकाम है, कौन सी बिल्डिंग्स बने हैं, कौन सी इंडस्ट्री बनी है, और इसमें किन किन लोगों का सहभाग है, उन सबका चौकसी होना जरूरी है. हम तहसीलदार को आज निवेदन और पूरा सबूत दे रहे हैं कि अगर इसके ऊपर एक हफ्ते के भीतर आपने कार्रवाई नहीं की तो आज जो प्रातिनिधिक आंदोलन है इसको हम काफी उग्र करेंगे, और वसई की जनता, वसई का ये जो पूरा हरित पट्टा है, वसई की जो सरकारी जमीन है, उसको बचाने के लिए हमेशा लड़ते रहे.
समीर सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले अपने वक्तव्य में पूर्व के तहसीलदार और पूर्व के प्रांत अधिकारी के ऊपर आरोप किया है कि वो भ्रष्ट है, क्यों आपको ऐसा लगता है? दिख रहा है ना, वसई की जो सरकारी जमीनें हैं लूटी जा रही है। सरकारी जमीनें सबको पता है, तो सरकार जमीन अगर चोरी होते तो किसके माध्यम से? सरकारी अधिकारियों के माध्यम से ही ये चोरी हो रही है। और वहाँ पर मैंग्रोव जो है कांदड़ वन, वो बर्बाद किए जा रहे हैं। वहाँ पर जो वेटलैंड है, वहाँ पर मिट्टी का भराव किया जा रहा है, उसकी वजह से हाईवे जो जमीन स्तर से ऊपर है वो भी बारिश में डूबता है। वो क्यों डूबता है? ये अनधिकृत माटी भराव। और वहाँ पर अभी इंडस्ट्रियल गाले बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर बिल्डिंगें बनाई जा रही है। ये जो चल रहा है वो ये महसूल यंत्रणा और महानगर पालिका की जो यंत्रणा है उनके माध्यम से ही हो रहा है। आपकी क्या मांग रही है? जो भी भ्रष्ट अधिकारी है उनके साथ साथ जो भूमाफिया है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये आपकी मांग नहीं मानी जाए तो आपका आंदोलन और भी आगे रहेगा, चालू रहेगा। जब तक कार्रवाई नहीं होती हमारा आंदोलन चालू रहेगा। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।